ललित जी, देखिए आप लोगों ने भी जो दो बातें कही हैं उनमें ही कुछ हमें इनके सूत्र मिल जाते हैं कि स्वयं भगवान शिव वो कहते हैं रहस्य गुप्त है, उन्होंने स्पष्ट किया उसकी स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, यदि हमें राधा जी को राधा जी के रूप में, शक्ति के रूप में, आह्लादनी शक्ति के रूप में स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या नहीं, यही उनका मुख्य स्वरूप है, किंतु उनको व्याहता हम यदि सिद्ध करेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जब मथुरा से चले गए हैं द्वारका तो राधा जी नहीं गई हैं, तो परित्यक्ता भी आप नहीं कह सकते, आजीवन यहीं रह गई हैं और कृष्ण वहाँ रह गए, तो उनको व्याहता और उन दोनों का, भगवान कृष्ण और राधा जी का दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्रोतों की बहुत कमी है। यदि हम मनुष्य की तरह से जेंडर स्पेसिफिक देखें, जेंडर स्पेसिफिक देखते हैं तो लेकिन जो ईश्वर है ईश्वर की जो का जो आध्यात्मिक स्वरूप है हमें वही मानना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रुक्मणी ही राधा हैं और दोनों लक्ष्मी का अंश है, ये तो मान्यता। एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। माधुर्य कृष्ण में और ऐश्वर्य कृष्ण में अंतर ही नहीं पता। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐश्वर्य कृष्ण को माधुर्य कृष्ण से जोड़ रहे हैं, वृंदावनम परित्याजम समय के साथ जब भगवान श्री कृष्ण गए कहां, जब आप, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हाँ क्या बहस हो रही है। जब परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाती है तो मान्यताएं किसी कई प्रकारों की स्थापित होती है, मान्यताओं को मानते हैं, तो एक मान्यता है, मान्यता नहीं है। मान्यता अगर होती तो पूरा रुक्मणी जी के नामों में, रुक्मणी जी का जो भी संदर्भ है, रुक्मणी जी को राधा किसी भी स्रोत में, पौराणिक स्रोत में नहीं कहा गया, पर्वती साहित्य में है, तो हम कुछ आधार मानकर चलेंगे किसी बात को रखने के लिए, या तो पौराणिक साहित्य को आधार मानेंगे या कि साहित्य से परे जो हमारे वेद हैं हम उनको आधार मानेंगे, इनके अलावा कवियों के काव्य को आधार मानना उचित होगा, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। एक आग्रह है, भूमि आपने देखी है कुरुक्षेत्र की भूमि, आपको राधा रुक्मणी में भेद जो आप कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब सूर्य ग्रहण के समय गए हैं, भागवत प्रमाण दे रहा हूं आपको, भागवत है तो वहां में राधा जी कहां है, नहीं राधा जी नहीं है लेकिन स्तुति बता रहा हूं, भागवत में प्रमाण है कुरुक्षेत्र की भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण गए हैं, नहीं राधा जी गई है, पहली बार गई है कहीं वृक्ष से बाहर, तो वहां स्वयं रुक्मिणी ने स्तुति की है, धन्योस्ति राधे वृषभान पुत्री त्वद भक्ति योगेन वशीकृतोऽयं वदत्यलं यस्य कथां त्रिलोकी सैव वार्तां वदति त्वदीयं। हे किशोरी लाडली राधा, आप धन्य हैं, क्यों धन्य हैं, ब्रह्मान की पुत्री हैं, बोले नहीं इसलिए धन्य हैं जो पूरा त्रिलोकी जिन कृष्ण के तत्व की चर्चा करता है, कृष्ण कृष्ण रटता है, जब द्वारका में कृष्ण सोते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम से राधा राधा शब्द आता है। एक चीज बताइए, आपकी द्वारकाधीश जो है मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें राधा जी की मूर्ति क्यों नहीं स्थापित? द्वारकाधीश राजा दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी, भगवान कृष्ण के दो स्वरूप है, दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी, दूसरे उड़ीसा में जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं स्थापित? दरबार में राधा रानी, आपके प्रश्न का उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी आपने अब तक आपने इतने आपने इतने प्रश्न किए हैं, अब आपसे दो प्रश्न हमारे हैं जी। आप कह रहे हैं फला मंदिर में नहीं है, हमारे ब्रज में राधा जी का मंदिर राधा कृष्ण के साथ है जी, पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर है, अगर प्रदीप मिश्रा का बयान और उनका प्रमाण यदि ठीक है तो हम कल से सारे मंदिर बंद करा दे, यही कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, या तो आप ब्रह्मा जी को भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ आप उद्धव जी को नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों में आप ये तो मानते हैं उद्धव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, बिल्कुल सही, उद्धव से बड़ा कोई ज्ञानी तो नहीं है, ना प्रदीप मिश्रा ना कोई और, कोई नहीं, इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरुजनों के बीच में जाना पड़ेगा, शास्त्रार्थ आचार्यों के बद्ध बैठ के होगा, तो यहाँ सभी आचार्य नहीं है, उसके लिए तो बड़ी सभा ब्रज में काशी कहीं बुलाई जाए, पूज्य शंकराचार्य जी और आचार्य जी बीच में, जब उद्धव जी जैसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ब्रज में आकर के ब्रज के रहस्यों को आकर के नतमस्तक होके गए हैं और आज भी लता पता बन के ब्रज में ही उद्धव जी निवास कर रहे हैं, तो उनसे बड़े ज्ञानी ना आप हैं ना प्रदीप मिश्रा है। दूसरी, प्रदीप मिश्रा ही नहीं, आप ही नहीं, कितने लोगों को भ्रम हुआ, जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, आपने एक प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां, आपने, अरे भगवान, आपने प्रश्न किया था, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, सवाल पूछने, सवाल का जवाब इन पर नहीं है, क्या सवाल जवाब दे रहे हैं, आपका सवाल क्या है, आपने सवाल, हमने इनसे ये पूछा कि राधा कृष्ण बरसाने में साथ क्यों है, पूरे विश्व में राधा कृष्ण साथ क्यों हैं? बस सवाल पूछ लिया आपने, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, बताइए। मैं ये कह रहा था इनसे, नहीं वो पूछ रहे सवाल आपसे, फिर से पूछे सवाल, वो सुनो, हम ये पूछना चाहता है पूरे विश्व में और ब्रजमंडल में बरसाने में और ब्रजमंडल की गली गली में पूरे संसार में राधा कृष्ण के मंदिर एक साथ क्यों हैं?
इसलिए है कि राधा जी को बहुत प्रेम करते थे कृष्ण भगवान, और राधा जी कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो प्रेम का प्रतीक है और वो लक्ष्मी जी के अंश हैं, इसलिए उनको अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। एक प्रश्न और पूछिए इनको कि क्या वो दूसरे की पत्नी को लेके खड़े हैं फिर? पत्नी क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताइए। अरे प्रदीप मिश्रा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भगवान किसी स्त्री को नहीं रख सकता। आप समझिए, अब आप शास्त्र समझिए, लक्ष्मी जी का, आप भागवत जी समझिए। भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसे कृष्ण भगवान है, ये तो ब्रजवासियों का झूठा खा रहे हैं। उन्होंने सारे बछड़ा और गाय को चुरा लिया। उस काल में सभी ब्रजवासियों के भगवान कृष्ण ही बछड़ा बन गए, भगवान कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए। ये भागवत जी का प्रसंग है। और सभी ब्रजवासियों की जितनी उस समय वेद की ऋचाओं के रूप में प्रकट हुई थी सखियां, सबकी विवाह जो भगवान कृष्ण के साथ हुआ। कितनी गिनती करेंगे ये? 63 करोड़। और इसके अलावा आम जनमानस, केवल भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और सभी स्त्री हैं, हम सभी भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। कितनी गिनती करेंगे ये? मुझे देखिए, एक तो जो राधा तत्व की चर्चा अभी भाई ललित कर रहे थे वहां से शुरू कीजिए। राधा तत्व पूरे वैदिक वेद में, कम से कम ऋग्वेद में और सामवेद में, और मैं एक लेख का वर्णन करूं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक लेख है, आज के 60-70 साल पहले का लिखा गया लेख है, जिसका शीर्षक है श्री राधा नाम और राधा उपासना सनातन है। इसमें जो गीता प्रेस के आदि संस्थापक संपादक हैं, जिन्होंने आर्स ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाया, हर एक हिंदू परिवार तक पहुंचाया, वो बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि वेदों में राधम शब्द बहुत जगह आए हैं और इसके बहुत सारे अर्थ किए गए हैं। हो सकता है कि, और कई लोगों ने यह अर्थ भी किया है कि ये राधा तत्व है, राधा है, वहां से इसकी कंटिन्यूटी को लेके चलिए। और पूरा फिर लगातार आप कह रहे हैं डिसकंटिन्यूड है, उपनिषदों में राधा नाम मिलता है और उसके बाद लगातार मैंने ढेर सारे प्रमाण आपको बताए, पृष्ठ संख्या के साथ बताए, जिसमें राधा का प्रमाण हमको मिल रहा है। गीता प्रेस के ही एक ग्रंथ में, मैं नहीं जानता कि आपका कैमरा इसको फोकस कर सकता है या नहीं, लेकिन ये पूरा राधा विवाह का जो दृश्य है, तो राधा और कृष्ण के विवाह का भांडेर वन में, वो दृश्य यहाँ है। तो इसके अलावा गुरुवर एक मिनट, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि केवल शिव पार्वती के अलावा राधा कृष्ण हैं जो भारत की कला परंपरा में अर्धनारीश्वर के रूप में, मेरे पास ऐसे 10 चित्र हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं वो दिखा दूं, जिसमें अर्धनारीश्वर के रूप में राधा कृष्ण दिखाए गए हैं और लगातार 8वीं शताब्दी से ऐसी मूर्तियां और ऐसे चित्र लगातार मिल रहे हैं। गीता प्रेस कितनी पुरानी है? आप गीता प्रेस का रेफरेंस दे रहे हैं? गीता यहां पर वेद की बात कर, उन्होंने ऋग्वेद का एक उदाहरण दिया। गीता प्रेस तो 100 वर्ष हुआ, लेकिन जो जिन ग्रंथों का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया वो तो हजारों वर्ष पुराने हैं ना। वेद में कोई रेफरेंस है? मेरे वेद में मैं कह तो रहा हूं कि राधम शब्द आया है। देखिए वेदों में राधम सपोर्टिव बात बोलना चाहूंगा। 15वें अध्याय भगवत गीता के 15 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मतर ज्ञानम स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो। कृष्ण स्वयं कह रहे गीता में वेदों को रचने वाला मैं हूं। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राधा रानी का मैं अंग भाव लेकर के आया हूं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि राधा रानी काल्पनिक है और अभी प्राचीन काल में आई? मेरा सवाल ओम जी से ये है कि वेदों में क्या कोई रेफरेंस आया है राधा जी का? मैं मनुष्य पंक्ति सीधा पढ़ रहा था जो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, और बहुत जबरदस्त लेख है, मुझे लगता है कि हर सनातनी को कम से कम इस लेख को पढ़ना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि वेद में राधम आदि शब्द बहुत जगह आए हैं, इसके कई अर्थ किए गए हैं, हो सकता है कि वेद के कोई विशिष्ट विद्वान इसका स्पष्ट राधा ही अर्थ करें। बहुत सारे लोगों ने किया है, एक मिनट कि इसका रुक जाइए ललित जी, क्योंकि देखिए उसको ललित जी मैंने स्पष्ट किया था पहले, बिल्कुल कहा था 40 बार तो स्पष्ट ऋग्वेद में, और सामवेद का जोड़ेंगे तो 44-45 बार राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन राधा जी के अलग अलग, जब किसी भी देव के स्वरूप को, जब उसको ब्रह्म के स्वरूप में देखा है ऋषियों ने, तब उनके साथ में राधा को संयुक्त किया है। तो फिर राधा जी को यादवा नाम कर्ण ऋषि ने कहा है कि यादवों की आराध्य देवी हैं और यादव यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर हुए हैं, किंतु उनके साथ में वरुण के साथ में इंद्र के साथ में उनकी विभूतियों के रूप में भी राधा जी का वर्णन है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकृति की शक्ति है जो सबका पालन करती है, जिसमें सौंदर्य भी है, वो स्वरूप है, मूल स्वरूप है राधा जी का। लेकिन जब हम मानवीकरण कर देंगे और जेंडर स्पेसिफिक दृष्टि देखने लगेंगे तो फिर हमें विवाह की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। कोई लिख भी जाएगा तो उसे हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, एक बेस लाइन हमें
रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा और सीमा का सम्मान करते हुए ही अपने विचार स्पष्ट करें,